क्या आप बैंकर हो और आपके साथ रिसेंटली हुआ है कि आप कस्टमर से मिलने गए और आपने रियलाइज करा है इस कस्टमर को तो मुझसे ज़्यादा आता है, आपने म्यूचुअल फंड, वेल्थ मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, इन सब चीज़ों के बारे में अभी भी सुना है और कस्टमर ये सब चीज़ें दशकों से, डेकेड से कर रहा है। हो सकता है 50 साल से ज़्यादा से वो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ले रहा है अपने बैंक से। ऐसे सिचुएशन पे हम क्या करें? देखिए, एज अ बैंकर, एज अ एस्पायरिंग बैंकर, या अगर हम फाइनेंस के फील्ड पे हैं, कॉन्टिन्यूस लर्निंग हैज़ नेवर बीन मोर इम्पॉर्टेंट। ज़रूरी है कि हम सीखते रहें। मैंने कल के अपने वीडियो में कवर किया था कि लर्निंग का प्रोसेस क्या रहता है। ब्रॉडली हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं और फिर मेमोरी में डालते हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखा है और याद आया। आई होप आपने मेरे पूरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया है ताकि आपको बैंकिंग और फाइनेंस के बारे में अपडेशन मिलते रहें। लेकिन जब हम लर्निंग की बात करते हैं, एक मेजर डिफरेंस है एक बच्चा जैसे सीखता है और एक एडल्ट, एक बड़ा कैसे सीखता है। देखिए, बच्चा एक स्पॉन्ज होता है, उसको हम जो चीज़ सिखाते जाएंगे वो सीखता जाएगा। बच्चे की जो सीखता है, कैसे सीखता है, इसकी स्टडी को पेडागॉजी बोलते हैं। तो बड़ा है, जो एडल्ट है, वो कैसे सीखते हैं, इस थियोरी को एंड्रागॉजी बोला जाता है। एंड्रागॉजी बेसिकली 5 एजम्पशंस पे बेस्ड है। ये एजम्पशंस मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी और ये ज़रूरी है एजम्पशंस को समझना। क्यों ज़रूरी है? पहली चीज़, अगर आप खुद बैंकर हो, आप सीखना चाहते हो, यही जो एडल्ट लर्निंग के प्रिंसिपल्स हैं, जो फैक्ट हैं, जो इस तरह से ही होता है, वो आपके लर्निंग को हिंडर कर सकते हैं, आपके लर्निंग को रोक सकते हैं। और कैसे, वो हम जब एग्जाम्पशंस डिस्कस करेंगे उसके साथ मैं डिस्कस करूंगी। अगर आप मैनेजर हो और आपकी टीम है और आप चाहते हो कि मेरे टीम के लोग सीखें, अपनी लर्निंग को कंटिन्यूअस रखें, अगर आपको एडल्ट लर्निंग के ये एग्जाम्पशंस पता है तो आप अपनी टीम को ज़्यादा लर्निंग सेंट्रिक टीम बना सकते हो। मतलब एज अ लर्नर ये हेल्प करती है मुझे मेरी ब्लाइंड स्पॉट्स को पहचानने में और एज अ मैनेजर ये मुझे हेल्प करती है मेरी टीम को प्रॉपरली गाइड करने के लिए। पहला प्रिंसिपल एडल्ट लर्निंग का है दैट एडल्ट्स नीड टू नो व्हाई दे आर लर्निंग समथिंग। ये नीड टू नो व्हाई दे आर लर्निंग समथिंग रीज़न है कि ये वीडियो में मैं अभी तक सिर्फ यही चीज़ बता पाई हूँ कि आपको ये चीज़ सीखनी क्यों ज़रूरी है। देखिए, बैंकिंग में बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि मैं वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस पे हूँ या मैं वर्किंग कैपिटल फाइनेंस देखती हूँ तो मुझे फॉरेक्स के बारे में सीख के क्या करना है, या मुझे आप ले लीजिए ऑपरेशंस की कोई चीज़ के बारे में सीख के क्या करना है। लेकिन जब हम बैंकर की बात करें तो नीड टू नो बहुत वाइड टॉपिक हो जाता है। बैंकिंग एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, उसके अंदर जब मैं कस्टमर के सामने बैठती हूँ तो कस्टमर टेक्निकली मुझसे कुछ भी पूछ सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी नॉलेज को वाइड बनाकर रखें। अगर आप मैनेजर हो तो अगर आप किसी अपने एम्प्लॉय को या अपने जूनियर को या अपने रिपोर्टी को आप उनको सिखा रहे हो कोई भी चीज़, स्पेंड करिए टाइम पहले उनको बताने के लिए कि ये जो नॉलेज है उनको कैसे हेल्प करेगी। वाई इज इट नीड टू नो। सेकेंड प्रिंसिपल और सेकेंड एग्जाम्पशन जो एडल्ट लर्निंग की है वो है कि एडल्ट्स नीड टू लर्न एक्सपीरियंशियली। मतलब वो करके सीखेंगे। और ये चीज़ जब मैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट में थी, ये मैंने बैंकर्स में बहुत कॉमनली देखा है। काफ़ी बार होता था कि हमने कोई चीज़ उनको बताई जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड लगता था कई बार, तो उनको लगता था मैम हम करेंगे तो अपने आप सीख जाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आउटवर्ड रेमिटेंस करनी हो, अगर छोटी मोटी अमाउंट की करनी है तो सही है, आप करोगे तो आप सीख जाओगे। अगर आपको वेल्थ मैनेजमेंट का टॉपिक लेना है, छोटा सा पोर्टफोलियो आपको अगर एडवाइस करना है तो शायद आप करके सीख जाओगे। लेकिन जो बड़ी बड़ी डील्स हैं वो आपको रोज़ नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी $1 मिलियन की जब मैं आउटवर्ड रेमिटेंस करूंगा तब मैं सीख जाऊंगा कि ये कैसे करते हैं, या फिर मैं कोई 1-2 करोड़ की वेल्थ मैनेजमेंट या पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर रही हूँ तो तब मैं सीख जाऊंगी कि ये कैसे करते हैं। जो बड़ी बड़ी डील्स हैं वो हमारी लाइफ में हो सकता है बहुत कॉमनली नहीं आए, बहुत रेगुलरली नहीं आए। तो अगर आप लर्नर हो, अगर आप बैंकर हो तो अपने आप को इस चीज को समझाना कि हमें थ्योरी भी उतनी अच्छी तरह से आनी चाहिए, रेगुलेशंस को पढ़ना उतना ही जरूरी है, ताकि अगर हमें वो एक्चुअल करने का मौका मिले तो हम उसको थोड़ा सा बेटर कर पाए। अगर आप मैनेजर हो, कोशिश कीजिए कि अपनी टीम की जो लर्निंग है उसको सेल्फ डायरेक्टेड रखिए, उनको कोई ऐसा एक्सपीरियंस दीजिए जिनसे वो सीखें, करके सीखें, एक्सपीरियंशियली सीखें, दैट मीन्स प्रैक्टिस करके सीखें। तीसरा प्रिंसिपल है, एजम्पशन है एडल्ट लर्निंग का, दैट एडल्ट्स अप्रोच लर्निंग एज प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर मैं एडल्ट हूँ, मुझे पता है कि मैं तभी सीख पाती हूँ अगर मुझे लगे कि ये लर्निंग मेरी कोई एक्चुअल लर्निंग की प्रॉब्लम को या मेरी कोई लाइफ की कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। उसके अलावा बहुत कुछ है सीखने में, हम इतना सीख कर क्या करेंगे। अगर मैं लर्नर हूँ तो यही जो एडल्ट लर्निंग का एग्जाम्पशन है, एडल्ट लर्निंग की जो रियलिटी है, वो चीज़ मुझे एज ए बैंकर हिट कर सकती है। देखिए, कस्टमर कंप्लेंट आई, उसके बाद आपने सीखा तो क्या सीखा? सीखना तो इसलिए है कि कल को कस्टमर की कंप्लेंट ही ना आए। दूसरी चीज़, हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पर कस्टमर्स दिन ब दिन बहुत अवेयर होते जा रहे हैं। मतलब अगर कस्टमर ने कोई चीज़ आपसे पूछी और आपने पूछा, ठीक है, आई चेक एंड गेट बैक टू यू, और आप टाइम पर गेट बैक टू यू नहीं हुए कस्टमर को, तो कस्टमर आपके पास नहीं जाएगा, वो कंपेटिटर के पास चला जाएगा। तो प्रॉब्लम आएगी तभी हम सीखेंगे। अगर यही एटीट्यूड एज अ बैंकर हमारा रहा, एज अ फाइनेंस पर्सन हमारा रहा, तो ये हमारी ग्रोथ में इम्पेयरमेंट का काम करता है। लेकिन अगर आप मैनेजर हो, ये एडल्ट लर्निंग का एक एग्जाम्पशन ही नहीं है, एक रियलिटी है कि जो लर्नर्स हैं वो लर्निंग को एज प्रॉब्लम सॉल्विंग देखते हैं। तो अगर कोई चीज़ समझानी है एज ए मैनेजर, मैंने अपने रिपोर्टी को, तो मैं बोलूँगी अगर कस्टमर ने आपसे ये पूछा या कस्टमर की ये कंप्लेंट आई, इस तरह से करके अगर मैं सिखाती हूँ तो जो लर्नर है, जो मेरा रिपोर्टी है, जो भी सीख रहा है, वो हमसे बेटर सीखेगा। फोर्थ प्रिंसिपल आता है एडल्ट लर्निंग का, दैट एडल्ट्स लर्न बेस्ट व्हेन द टॉपिक इज ऑफ इमीडिएट वैल्यू। आप सबको याद होगा जब हम बचपन में हम कहते थे कि सबसे अच्छी पढ़ाई होती है कि एग्जाम से एक रात पहले। हमारी जब एज एन एडल्ट ये जो टेंडेंसी है कि मुझे कल चाहिए होगा, मैं तभी सीखूंगी, ये अगेन लॉन्ग टर्म में हमारी लर्निंग के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए इम्पेयरमेंट का काम करता है। आई रिमेम्बर एक बार मुझे एक इंश्योरेंस ट्रेनर के साथ हम लोग बैठे हुए थे, डिस्कस कर रहे थे, और उसने बोला कि काफ़ी बार होता है आरएम्स मुझे कॉल करते हैं, मैं कस्टमर के घर के अंदर एंटर करने वाला हूँ, मुझे इस इंश्योरेंस प्रोडक्ट के फीचर्स 5 मिनट में समझा दो। या फिर कोई कस्टमर के सामने बैठा हुआ है, कस्टमर कह रहे हैं ठीक है आप मेरे डॉक्यूमेंट्स ले लो और वर्किंग कैपिटल लिमिट के लिए हम लोग काम करेंगे, और कस्टमर के सामने बैठे बैठे बॉस को कॉल किया जाता है, पूछा जाता है सर मैं कस्टमर से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लूँ। तो ये जो हमारी टेंडेंसी है कि हम वही सीखेंगे जो हमें इमिडिएटली रिक्वायर्ड है, ये अगेन एज अ बैंकर हमारी ग्रोथ को इम्पेयर कर सकता है, हमारी ग्रोथ को रोक सकता है। एज अ मैनेजर हमें ये एजम्पशन, ये जो एडल्ट का लर्निंग का प्रिंसिपल है, ये पता होना चाहिए। इसीलिए हमें रिसेंसी जो चीज़ है उसको क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। हम कह सकते हैं कि कल आपका मैं ये इस बारे में टेस्ट लूँगा, या फिर कल आपसे इस बारे में पूछूंगा। तो वो चीज़ जो आपको पता है कि इमीडिएट वैल्यू होगी, बॉस मुझसे इस टॉपिक पे सवाल पूछेगा, तो उसकी हम पढ़ाई ज़्यादा करेंगे, उस पर ज़्यादा मेहनत करेंगे। आखिरी चीज़ आती है, एडल्ट्स व्यू लर्निंग एज एन एक्टिव प्रोसेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो लर्नर्स हैं वो अपनी लर्निंग पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। मैंने आज ये वीडियो बनाया जिसका कंसेप्ट था, जिसका आइडिया था कि अगर आप बैंकर हो तो आपको अपनी लर्निंग ऑनगोइंग कैसे रखनी चाहिए, आप अपनी लर्निंग को कंटिन्यू कैसे कर सकते हो, और क्या चीज़ अपनी ब्लाइंड स्पॉट्स को पहचान कर अपनी खुद की लर्निंग करिकुलम को बेटर बना सकते हो। इस जो मेरा वीडियो है, इसका बहुत से लोग अपना खुद का मतलब निकालेंगे, उसका खुद की अपनी अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन एज ए बैंकर जहाँ पर हम बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस से बंधे होते हैं, वहाँ पर मैं रूल्स और रेगुलेशंस की अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकती। अगर रेगुलेशन में एक चीज लिखी है कि आप ये काम नहीं कर सकते तो आप ये काम नहीं कर सकते, उसमें आपका ओपिनियन या आपका मैनिपुलेशन काम नहीं करेगा। अगर आपका ऐसा एटीट्यूड है या ऐसा थॉट प्रोसेस है तो ये अगेन आपके ग्रोथ को इम्पेयर करेगा, ग्रोथ को रोकेगा। बट एज अ मैनेजर जरूरी है कि अगर मैंने कोई चीज समझाई है अपने एम्प्लॉय को तो मैं उनसे पूछूं कि आपको क्या समझ आया, जस्ट टू चेक कि मैंने जो समझाया है उसको उसी स्पिरिट में, उसको उसी तरीके से लिया गया है या उसको उन्होंने एडल्ट लर्निंग के एग्जाम्पशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जो लर्नर है, जो सुन रहा है, उसने अपने ही मर्जी से अपने ही फॉर्म में इंटरप्रेट किया है। ये आज का मेरा जो वीडियो था, ये सेकंड वीडियो है, एक सीरीज जो मैं बना रही हूँ वो है लर्निंग प्रिंसिपल्स को लेकर। बैंकिंग में आई बिलीव, बैंकिंग हो गया, फाइनेंस फील्ड हो गया, लर्निंग एंड ऑनगोइंग लर्निंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ऑल बैंकर्स। अगर हमें ग्रो करना है तो हमें ओवरऑल एक होलसम बैंकर होना जरूरी है। कस्टमर जब सवाल पूछता है तो वो सिलेबस के अंदर नहीं आता। बहुत सी जो सेल्स प्रोसेस हैं, बहुत से जो हमारे ऑपरेशंस के काम हैं वो ऑटोमेट हो जाएंगे और अभी हो भी चुके हैं। आने वाले टाइम पर आपको अपनी ह्यूमैनिटी, अपनी लर्निंग वो लेकर आनी पड़ेगी, तभी कस्टमर आपको वैल्यू करेगा। इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड कर रही हूँ। रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Thank you so much for joining.